न्यूयॉर्क के अंदर आपके पास जो है वो आपने अगर सबवे पर ट्रैवल करना है तो चीप ट्रैवल और टिप्स एंड ट्रिक्स। न्यूयॉर्क का फेमस सबवे सिस्टम, अगर आपको न्यूयॉर्क के अंदर कहीं पर भी ट्रैवल करना है तो आपको सबवे से ज़रूर पाला पड़ेगा। और यहाँ का जो सबवे है वो एक टाइम पे इसको जो है दुनिया का बेहतरीन सबवे सिस्टम करार दिया गया था। पिछले कई सालों से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से, बल्कि इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट हुई ही नहीं है, उसकी वजह से सबवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब होता नज़र आ रहा है। इनफैक्ट जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज इसी चीज़ को समझा जाता है कि सबवे को कैसे मेंटेन किया जाए। अगर आपने न्यूयॉर्क के अंदर ट्रैवल करना है तो सबसे पहले आपको न्यूयॉर्क की सराउंडिंग से अपने आप को फेमिलियराइज करना होगा। आपको न्यूयॉर्क की सराउंडिंग से अपने आप को फेमिलियराइज करना होगा। न्यूयॉर्क की सराउंडिंग्स को अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं है। एसेंशियली आपको जो है देखना होता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस कौन सी हैं। अगर आपको अपटाउन जाना है तो ब्रॉन्क्स की साइड है, अगर आपको डाउनटाउन जाना है तो वो मैनहट्टन है। डाउनटाउन से मुराद साउथ, अपटाउन से मुराद नॉर्थ। अगर आपको स्टेटन आइलैंड जाना है तो उसके लिए आपको फेरी यूज़ करनी पड़ती है। फेरी आपको जो है वो साउथ के अंदर, आपको डाउनटाउन में आपको एक स्टेटन आइलैंड फेरी है, उसकी वीडियो भी हम आपको जो है कुछ दिनों में दिखाएंगे, वो आपको यूज़ करनी पड़ती है। कहा जाता है कि सबवे में जब आप ट्रैवल करते हैं ट्रेन में तो आपको जो है वो आप जल्दी पहुंच जाते हैं, बट यहाँ पर होता ये है कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डिप्लीट हो रहा है तो उसकी वजह से आपको सबवे के अंदर डिलेज भी नज़र आते हैं। सो आपने अगर कहीं पर जल्दी पहुंचना है तो आप ये फैक्टर इन करके जाएं कि शायद डिलेज भी हो सकते हैं। डिलेज आपके 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक के डिलेज भी हो सकते हैं। यहाँ पर किसी भी ट्रेन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आप उसका लेटर और नंबर देखें। लेटर से मुराद आपको 1, 2, 3 या ABCDEF जो भी उसके अल्फ़ाबेट्स उसको दिए गए हैं, और साथ उसका आगे किस स्टेशन में जा रही है वो नाम। ये दो चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस जो है वो आपको कौन सी ट्रेन लेनी है। ये अगर आप चीज़ें आपको पता चल जाए तो आपके लिए न्यूयॉर्क को नेविगेट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। साथ जो मेट्रो का फेयर है, आपको पर राइड यहाँ पर $2.75 आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आप वीकली कार्ड ले लें, मेट्रो कार्ड जो MTA का है, तो उसमें जो है वो वीकली कार्ड आपको $33 के अंदर, वीक के अंदर आपको अनलिमिटेड राइड्स मिल जाती हैं, जो कि आई थिंक बहुत हैंडी और बहुत अच्छी ऑप्शन है। मैंने ये 7 दिन उसको यूज़ किया है और मैंने उसको दबा के यूज़ किया है। अभी आज मेरा वो कार्ड ख़त्म हुआ है और मैंने भी लिया नहीं है, बट मेरा ऑलरेडी जो है वो $15 के करीब एक्सपेंस हो चुका है उसके बगैर। सो अगर आपको न्यूयॉर्क में ट्रैवल करना है तो वीकली कार्ड इज़ योर बेस्ट बेट। कार्ड की प्राइस जो है वो $1 है। आप $1 का आपको कार्ड मिलता है, आप उसको टॉप अप करवाते रहते हैं और उसी के अंदर आप बार बार यूज़ करते रहते हैं। आप उसको फेंके नहीं, बट उसी को आप यूज़ करते रहें। इसके अलावा नेविगेशन में एक और आसान चीज़ है, 2 ऐप्स हैं। एक तो जो है वो सिटी मैपर है, जिसको बहुत अच्छा समझा गया है, जिसको आप यूज़ करें तो आप बहुत ईजिली नेविगेट कर सकते हैं। या गूगल मैप्स तो है ही। आप एक जो लोग यहाँ पर जो देसी खासतौर पे आते हैं उनसे जो सबसे बड़ी गलती होती है कभी कभी, वो गलत ट्रेन में बोर्ड कर जाते हैं। अगले स्टेशन में पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गलत ट्रेन में बैठ गए, तो घबराएं नहीं। आप अगले स्टेशन पर उतर के आप दूसरी साइड से आपको दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, आपको लिए कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा आपको स्टेशन कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कुछ ट्रेन के जो है वो अंदर ही आपको बता दिया गया होता है जो है वो स्टेशन मौजूद होते हैं कि अगला कौन सा स्टेशन है, बट कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जिनमें आपको अवेलेबल नहीं होता। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप अपनी ट्रेन से जब स्टेशन पर रुकती है तो आप अपनी ट्रेन से बाहर मुड़ के देखेंगे तो आपको वहाँ पे बोर्ड नज़र आ जाएंगे कि कौन सा स्टेशन है। उसके अलावा आप जब बैठने लगते हैं, अगर आपने गूगल मैप्स या सिटी मैपर भी यूज़ किया है तो वो आपको ये भी बताएगा कि आपने कितने स्टॉप्स के बाद उतरना है, तो आप अगर स्टॉप्स को काउंट करते रहें तो भी आपको पता चल जाएगा और आपको स्टॉप का नाम भी पता होगा आपने कहाँ पर उतरना है। इसके अलावा कुछ टिप्स हैं। एक तो आप अवॉइड करें कि जब कोई भी कैबिन खाली हो ट्रेन का तो उसमें कोशिश करें कि मत बैठें, बिकॉज एम्प्टी कैबिन्स के अंदर जो है वो सिक्योरिटी का इशू होता है। उसके अलावा अपना जो सामान है वो अपने पास ही रखें, सेफ रखें, बिकॉज यहाँ पर जो न्यूयॉर्क की पुलिस है वो बहुत ज़्यादा कहती है कि अपना सामान पास रखें, और यहाँ पर इंसिडेंट्स होते हैं, यहाँ पर पिक पॉकेट्स भी हैं। और इसके अलावा जब आप ट्रेन से उतर जाएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हाथ लाजमी साफ़ करें, बिकॉज दुनिया भर के जरासीम हैं उस ट्रेन के अंदर, और मास्क तो ऐसी पेंडेमिक की वजह से लोग पहनते हैं, पर आप इंश्योर करें कि जब आप ट्रेन से उतरें तो आपने अपने हाथ साफ़ किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरासीम यहाँ पर होते हैं। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं न्यूयॉर्क के सबवे के हवाले से। ये मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ कि क्या है पीछे। दिस इज़ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, आइकॉनिक स्टेशन है ये। और आई थॉट कि अगर मुझे न्यूयॉर्क के सबवे के ऊपर वीडियो बनानी है
तो आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल से अच्छा जो है वो कोई और जगह नहीं हो सकती थी। न्यूयॉर्क में आपको कुछ सब स्टेशन ऐसे भी मिलेंगे जो कि मॉडर्न बने हुए हैं, अगर अच्छे बने हुए, नए बने हुए हैं। उनमें आपको ग्रैंड सेंट्रल है जहाँ पर मैं अभी हूँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, कोलंबस सर्कल वगैरह के स्टेशन हैं जो थोड़े से आपको अच्छे बने हुए मिलेंगे। बाकी तो जितने भी स्टेशन हैं वो आपको एक जो है वो बहुत ओल्ड एक लुक देते हैं, जहाँ पर आपको जिसे आप कह सकते हैं कि एक क्रीपी सी लुक भी आपको आती है। बट इस वक्त जिस सबवे स्टेशन में मैं हूँ, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का है, तो इट्स एसेंशली अ मॉल, एक पूरा मॉल बना हुआ है। और ये सब जो है वो 9/11 के वाक्य के बाद जो है वो ये बनाया गया है, तो इसीलिए इसके अंदर एक मॉडर्न सा लुक आता है। यहाँ पर आपको एस्केलेटर्स भी मिलते हैं, वरना आप बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेशन है जहाँ पर आपको एस्केलेटर्स भी नहीं मिलते। सो अगले वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।